इस शर्त पर सलमान खान को माफ़ करेगा बिश्नोई समाज। क्या माफ़ी मांगेंगे सलमान खान? मुंबई में पिछले दिनों एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद से फिल्मी जगत से जुड़ी हुई हस्तियां अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। वीडियो जारी कर ये सेलिब्रिटीज़ बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग चुके हैं। उनकी अपील है कि बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ़ कर दे। वीडियो जारी करने वाली सेलिब्रिटीज़ की फहरिस्त में राखी सावंत, सोमी अली समेत कई हस्तियाँ शामिल हैं। इन वीडियोज़ के सामने आने के बाद अब समाज की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। इस मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया ने बयान दिया है। महासभा के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर सलमान खुद अपनी माफ़ी का प्रस्ताव समाज को भेजे तो उस पर कुछ विचार किया जा सकता है कि किसी और के माफ़ी मांगने के कोई मायने नहीं है। बता दें कि साल 1998 के दौरान जोधपुर के कांगड़ी गांव में हिरण के शिकार मामले को लेकर सलमान खान पर आरोप लगते रहे हैं, जिसके चलते बिश्नोई समाज में सलमान खान को लेकर गुस्सा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद 27 साल पुराना यह मामला एक बार फिर ताज़ा हो गया है, जिसे लेकर बिश्नोई समाज के अध्यक्ष का कहना है कि समाज सलमान खान को माफ़ कर सकता है बशर्त वह मंदिर पर आकर शपथ लेकर माफ़ी मांगे। वह पर्यावरण और वन्य जीवी की सुरक्षा को लेकर शपथ लेंगे तो बिश्नोई समाज उसे माफ़ भी कर सकता है। समाज के प्रबुद्धजन आपस में बैठकर यह निर्णय ले सकते हैं। बुढ़िया ने कहा, बिश्नोई समाज के 29 नियमों में एक नियम माफ़ी का भी है, तो प्रबुद्धजन बैठकर इस पर विचार कर सकते हैं। बिश्नोई समाज के अपने 29 नियमों के तहत उन्हें माफ़ी दे सकता है। अब देखना होगा कि क्या सलमान खान इस शर्त को मानते हैं और इन 29 नियमों के साथ बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल फिल्मी क्रेज़ी को सब्सक्राइब करें।